पीहू, ए पीहू, बाय कर दो, बाय बाय। पीहू को बटन ऑन ऑफ करने में इतने मजे आते पूछो नहीं। घर पे भी दिन भर जैसे मैं बैठता हूँ सिकाई करने, मेरी सिकाई का बटन बंद कर देती है। देखो ऑन कर दिया, खुशी देखो, खुशी देखो। पीहू आप पायलट ही बनना, फिर दिन भर बटन ऑन ऑफ ही करने होते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, मोटा बाहर वेट कर रहा है। तो पीहू भी आ गए हमारे साथ आज मैच देखने। आज पहला मैच है और ओपनिंग सेरेमनी बहुत बढ़िया है। तो ये कार्तिक है, ये कह रहे हैं सर इंडिया में जितने मैच होते सारे देखते हैं, तो अभी पहला मैच देखने आए। किसको सपोर्ट कर रहा है? सीएसके, येलो जी। यो धोनी के लिए जी। यो तो ये दोनों हमारी राइवल टीम है, ये गुजरात के सपोर्टर है, हम सीएसके, सीएसके धोनी, अपना धोनी खरीदे हुए फैंस कह रहा है अगर आज सीएसके जीत गई तो रूम कमरे में बंद करके पिटाई होगी। तो हम लोग रहे अनीश के यार, हमने होटल नहीं कराया। अच्छा इसीलिए सारे नहीं करवाने दिया, मैं तो कर रहा मैं पहले की बात कर रहा हूँ। क्या पहले ही मैं रूम में लॉक करवा दूंगा। अच्छा अभी बना अपम के साथ क्या है और स्ट्यू। अनीश हमें आया था एयरपोर्ट पे पिक करने और ये अनीश के भाई हैं, तो अनीश इसलिए भाई को लेके आया क्योंकि अनीश को गाड़ी चलानी नहीं आती अभी तक। ईएमआई पूरा भर दिया लेकिन गाड़ी चलाना नहीं सीखा, ट्राई भी किया है। फनी चीज ये थी, अनीश ने गाड़ी ले ली थी लेकिन इसने घर में किसी को चलाने नहीं आती थी, किसी को भी नहीं। अब तो ले क्यों थे अनीश, ओला ऊबर से काम चला लेता। अनीश एक बार सीखने भी गया था, 15 दिन सीखने के बाद वापस आया तो मैंने बोला अनिल गाड़ी चला, तो अनिश पूरा लिपट गया और ऐसे चालू कर रहा था। मैंने बोला भाई ऐसे गाड़ी चलाएगा क्या, तो एक काम करो वही सीट लगवा दे। आंटी नमस्ते। भाई तेरे घर के आसपास भी सीएसके फैंस है, यही गुजरात फैन है आंटी। यो सीएसके, यो ये है, पता ये है मिस्टर खेले थे इनके साथ। अरे हाँ वही थे क्या लोग, तो हम लोग लास्ट टाइम क्रिकेट खेले थे, चैंपियन है ये। अरे इसके पापा भी सीएसके हैं यार बेटा, तू ही गुजरात है खाली यहाँ पे, कोई गुजरात नहीं है। अरे आप लोग गुजरात को सपोर्ट नहीं करते? एक मोदी जी और एक अनीश, यही दोनों लोग गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। मिस्टर डेविड हाउ आर यू? मिस्टर डेविड, अनीश ने इसका नाम मिस्टर डेविड ऐसा रखा लगता है कि मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि डॉगी का नाम है। आंटी बहुत अच्छा साउथ इंडियन बनाते हैं। एक्चुअली अनीश लोग हैं केरला से, तो मैं तो सुबह से खाना खा के नहीं आया कि अनीश के घर जाके आंटी बनाती अप्पम और चूप, एक नंबर। हाय देश पीयूष। मिस्टर डेविड डर रहे हैं, मिस्टर डेविड डर रहे हैं। वो आंटी ने क्या, आंटी की किचन देखो, आंटी सब रितु के लिए बनाया कि मेरे लिए भी कुछ बनाया है? एवरीथिंग फॉर रितु बोली ना। जब मेरी शादी हुई थी तो जब सबसे पहले मैं देखो आंटी के घर ही तो लाया था, आंटी तब भी बहुत टेस्टी खाना बनाया था। ओहो भैया क्या क्या बना दिया आंटी ने, ये देखो अप्पम। चलो भाई हो गया निकल गया। तो मैम थे अहमदाबाद, हमने कहा SBI का ATM दिख गया कैश निकाल लेते हैं। तो अनीश के मम्मी ने एकदम भरपेट खाना खिला दिया, अब एकदम नींद सी आ रही है। रितु की चल रही है गाड़ी में मीटिंग, जब तक रितु कर रही है मीटिंग हम जा रहे हैं यहाँ पे एक चाय पीने। मैच 7:30 थे लेकिन आज पहला मैच है तो ओपनिंग सेरेमनी में बड़े तो ड्रोन से कुछ बहुत बढ़िया आज इंतजाम है, सिंगर विंगर भी आए हैं और मेरा फुल ऑथेंटिक लुक हो चुका है। मैं पहना हूँ CSK की ये जर्सी और नीचे तमिल धोती। किसको सपोर्ट कर रहा है तुम लोग? अबे विराट कोहली तो खेल नहीं रहा, MS धोनी। यो चलो बच्चे क्रिकेट खेलते, हमने कहा हम भी खेल आते थोड़ा सा क्रिकेट। हमको उतरना पड़ेगा यहीं पे क्योंकि इसके आगे तो अलाउड है ही नहीं भाई। लेकिन अनीश देख गुजरात की जर्सी हार्डली किसी ने पहनी, सारे CSK की जर्सी में, सारे CSK की जर्सी में भाई। गुजरात में आके ऐसा कर रहे हैं? अरे गुजरात में आके गुजरात का सपोर्ट नहीं है भाई। पहला झंडा मिला मेरे को गुजरात टाइटंस का, ये दीदी ने पकड़ा हुआ है। भैया सारे CSK आज सारे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस, ये मेन डोर, यहाँ से टीम बस आएगी, यहाँ भीड़ लगी। हम लोग जा रहे हैं अपना गेट नंबर 3 यहाँ से। भाई साहब मोटेरा स्टेडियम के इस साइड पहली बार आए हैं, ये स्टेडियम है कि होटल? तो ये है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस। भैया स्विमिंग पूल होटल वोटल प्रॉपर सब कुछ बना हुआ है यार, यहाँ तो बढ़िया। सारी भीड़ जा चुकी है, हम लोग अकेले बचे लेकिन अभी 6:30 से प्रोग्राम है। अरिजीत सिंह आ रहा है। अरे बात हाय कैसे आप? हाय पानी पी लेते हैं हम, पता नहीं थक गए। तो हम लोग आ चुके हैं VVIP सूट्स में। ये देखो ये थर्ड अंपायर रूम है, यहाँ थर्ड अंपायर बैठा हुआ है, यहाँ पे स्कोरर बैठा हुआ है, यहाँ पे IPL का सेंट्रल ऑफिस है। हम लोग आ चुके हैं अपने रूम, थैंक यू सो मच। बाहर चल रहा बढ़िया मैच, यहाँ हमारी आ चुकी चाय। ऋतुराज ने पेल दिया है, 50 मार दिए। अरे तू यहाँ पे आई थी इंडिया न्यूजीलैंड देखने, अब अभी आई है IPL देखने।
हजार गुना डिफरेंस है यार। ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने पैसा ज्यादा खर्च किया इस पे, ज्यादा क्या मतलब अलग ट्रीटमेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया मस्ती करने आया फैमिली के साथ। रन रेट पे लग गया लगाम चेन्नई के लिए 12 ओवर में 121, अभी 14.5 में 127, पिछले 2 ओवर में रन ही नहीं आया, विकेट गिर गया। हार्दिक ने कप्तानी बढ़िया किया, हार्दिक ने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों हटा दिया। वाइट पंजा आ गया, पंजा आ गया, वाइट का पंजा आउट है, आउट है, आउट है। भाई मैच खत्म, हमारी टीम तो हार चुकी है, लेकिन आप छक्का पड़ गया, राशिद खान ने 2 छक्के चौका मार दिया, वहीं मैच खत्म हो गया। जब हम लोग स्टेडियम एंटर कर रहे थे यहाँ पे कुछ तो अरेंजमेंट कर रहे थे, मुझे पता क्या लगा कि दिए लगा रहे, शायद दिए जलाएंगे। मैंने कहा लेकिन दिए क्यों, अभी तो शुरू हो गया प्रोग्राम अंडर। तो जो ड्रोन शो हुआ था सारे ड्रोन यहाँ पे उन्होंने सेटअप किए थे और सारे ड्रोन यहाँ से टेक ऑफ हुए थे और लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ यहीं पे था। यहाँ पे आ जा, यहाँ से हुआ था सारा, सब ड्रोन यहाँ से टेक ऑफ हुए। भैया जो वो सारे ड्रोन थे यहाँ से उड़े थे क्या? हैं यहाँ से उड़े थे? ओह इसी पार्क से उड़े थे। अरे वो रखे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया हाँ, लगा यार ये देखिए, मजा आ गया। ये देखो ये रखे सारे ड्रोन, बेस्ट था ये पूरा मैच। पहली बार हुआ ना ये? नहीं इससे पहले रिवर फ्रंट पे हुआ था, एयरसो कल भी हुआ रिवर फ्रंट पे। अच्छा रिवर फ्रंट पे हुआ था एयरसो में, एक रिमोट 1600 थे, 1600 हाँ एक ही रिमोट। और वो कौन चलाता है? वो इनके इंजीनियर जो होते हैं ना। ये देखो ये रखे जितवा दिया भाई गुजरात को आज, कोई टेंशन नहीं है भाई। लेकिन मैं लास्ट 2 ओवर देखा, वो जो रशीद था ना भाई, उसने मारा। जो 10 रन मारे ना, चौका मारा था। अबे टीवी में वो दिखाया था ड्रोन शो, दिखाया था ड्रोन शो, और ये बहुत मस्त था। उसे कह रहा थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे यूनाइटेड पे। अबे रहने दे, तूने कहा था यूनाइटेड पे गाड़ी है, यहाँ पे भी चल के आ गए, कहाँ है गाड़ी भाई? अबे कितना दूर ले जा रहा है यार, घर ही पहुँच जाएंगे भाई। तो ये है अनीश का रहा है, ट्रम्प रोड है, क्या स्पेशल है भाई ट्रम्प रोड में? भाई ट्रम्प जब आया था ना तब बना था, और ये मेरे ख्याल से एक या 2 हफ्ते में ही बन गया था ये पूरा रोड। यानी मेरे एक अंकल यहीं रहते, वो गए थे गांव जाके, 2 हफ्ते बाद वापिस आए ना, तू ऐसे शौक हो गए अचानक बंगलों का भाव बढ़ गया। मेरे को पता मैच में क्या कहते हैं भैया, आपको नंगा नाच वाला फ्रेंड नहीं आया, नंगा नाच जो करता है। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए, मस्त है भाई। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो शाम के 6 बज रहे हैं। वो मोटा कह रहा है कि सुबह 8 बजे तक खुला रहता है, ये रात भर चलता है भैया, रात भर चलाते हो? अभी तो नाराज लग रहा है यार, तू बता दे। अबे क्या कर रहा है यार, अबे पैर पे गरम चाय गिरा दी पागल यार। ये कैसे, मैं जैसे जॉब में रहता हूँ ना ऐसा ही एक जैसे मैं जॉब पे रहता हूँ ना, कोई कुछ बाहर वाला भी आके कुछ बोले। बैक होम फाइनली, लेकिन अनीश भी देख के हैरान है कि गुजरात में चेन्नई को इतना सपोर्ट। अनीश तो ये हैरान था कि इसके सामने वाले भी चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे, वैसे गुजरात गुजरात करते रहते हैं आज। शौक लगा अनीश हमारे इतना सारा सखा करा। रशी कहती है भैया को बोलना मसाले वाले पापड़ भेजेंगे, बड़े पसंद है रशी के लिए। तो अनीश स्पेशली गया रशी के लिए इतना सारा सामान लेके आया, बाप रे। अबे इतना क्यों ले आया यार? बाय कर दो आंटी को।
थोड़ा पतला लग रहा है इस ट्रिप में मेरे को, तू थोड़ा महंगा टी शर्ट है ना। हम लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद से गोवा। सुबह आंटी ने बना दिया लट्टू को डोसा, मजा आ गया उसके। मैं तो सुबह सुबह कुछ खा नहीं रहा हूँ। रात को सोते सोते 2:30 बजे की बातें बातें कर रहे थे, फिर घर पे आके एक और चाय हो गई, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा थकान है। गोवा किस लिए जा रहे हैं मैं बताता हूँ। रितु को जिंदगी में पहली बार न्यूज पेपर पढ़ते हुए देखा। ले मैं अभी लिया। ओ तेरी सॉरी सॉरी सर। चलो एक और पढ़ो। चलो तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड गोवा एयरपोर्ट। हम लोग लैंड हुए थे न्यू गोवा एयरपोर्ट, अभी आ चुके हैं ओल्ड गोवा एयरपोर्ट। बीच में एक घंटे की मीटिंग थी। तो हम लोग गोवा क्यों आए थे बता रहा था, क्योंकि रात को रितु को था कि सेलिब्रेट करना है मोटे के साथ, सेलिब्रेट करना है, और अहमदाबाद है ड्राई स्टेट। तो एक घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, एक एक बियर मार के हम निकल रहे हैं। गोवा आए थे बियर पीने। देखो कितना नीचे आ गए, देखो फाइनली रीच्ड होम फाइनली। और बरसात बहुत तेज हो रही है, मेरे को अभी बस मैच के लिए निकलना था नोएडा। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही है, तो मैच मोस्ट प्रॉब्ली कैंसिल हो सकता है, इसलिए मेरे को दुख नहीं हो रहा। अरे हगी तो कर लो छोटी दीदी को। पीहू देखा 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 ले उठा भी लिया। उसको भी प्यार कर लो भैया, दूर थे इंसान को। अच्छा जी अच्छा जी। अनीश भैया ने आपके लिए चिज्जी भेजी है, दिखाओ। एक एक हम गेम खेलते थे, टीचिंग टीचिंग ना करो, टीचिंग ना करो, राष्ट्रीय टीचिंग। एक हम गेम खेलते थे, अच्छा करो 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 करो। लालाम जय माता दी जय बाबी हकी। ओए ले, इसको देखो। ओए भाई साहब क्या दबाए मुंह में। लीव लीव। अच्छा एप्पल है, खा लेते हैं।